नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सरायपाली विधानसभा में सीएम विष्णुदेव साय ने किया जनसंपर्क, बीजेपी के पक्ष में की वोट करने की अपील। सीएम साय ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांकेर में सुरक्षा बलों ने 25 लाख इनामी कमांडर सहित 29 नक्सलियों को किया ढेर, भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। बीएसएफ के इंस्पेक्टर समेत दो जवान भी घायल। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सुरक्षा बलों से की वीडियो कॉल पर बातचीत, जवानों से डिप्टी सीएम ने जानी पूरी कार्रवाई, जवानों को डिप्टी सीएम ने दी बधाई। बालाघाट में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सरसवार ने किया जनसंपर्क, जनता से की कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील। नुक्कड़ सभा कर समर्थन मांग रहे प्रत्याशी। अंबिकापुर में लोकसभा निर्वाचन को लेकर प्रशासन अलर्ट, कलेक्टर ने चेक पोस्ट का किया निरीक्षण, सुरक्षा को लेकर स्टैटिक सर्विलांस टीम तैनात। 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ प्रदेश में दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में प्रदेश स्तर के बड़े बड़े नेता लोकसभा प्रत्याशियों के लिए विधानसभा क्षेत्र में जा जाकर आम सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 16 अप्रैल को सरायपाली विधानसभा में जनसंपर्क कर जनता से रूबरू हुए। इस दौरान आम जनता को संबोधित करते हुए सीएम साय ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग की जाएगी, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। न केवल बीजेपी बल्कि अलग अलग पार्टियों के नेता जनता के बीच पहुंचकर उनसे अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंपर्क कर जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, जिसकी वजह से अब कांग्रेस बयानबाजी पर ही लटक चुकी है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मंगलवार को भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें 29 नक्सली मारे गए। हमले में 25 लाख रुपए के नामी नक्सली कमांडर शंकर राव के भी मारे जाने की खबर है। इसके साथ ही 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने नक्सलियों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं मुठभेड़ में मारे गए 10 नक्सलियों के शव जवानों ने बरामद किए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, जहां संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। इसके साथ ही 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने नक्सलियों के कब्जे से हथियार बरामद किए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर पैनी नजर बनाए हुए है। इसी क्रम में पुलिस ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मुठभेड़ के बाद घायल जवानों से वीडियो कॉल पर बातचीत की और जवानों को इस कार्रवाई के लिए ढेरों शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान वीडियो कॉल के माध्यम से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों से जाना कि किस प्रकार से पूरी कार्रवाई की गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट अशोक सरसवार के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के माध्यम से जनता से उनका आशीर्वाद और समर्थन मांगा जा रहा है। मतदान की तिथि निकट आते देख कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी गति बढ़ा दी है। इसी कड़ी में उम्मीदवार सम्राट सरसवार भी कांग्रेस नेताओं के साथ सीधे संपर्क कर अपनी बात रख रहे हैं, जनता से सीधा संपर्क कर कांग्रेस के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं।
खबर बालाघाट से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सरसवार बालाघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में सभी पार्टियां लगातार जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार जनता के बीच पहुंचने का काम कर रही है। इसके साथ ही नुक्कड़ सभा का आयोजन कर जनता से कांग्रेस को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह सरसवार ने की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरगुजा पुलिस ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस दौरान आदर्श आचार संहिता का ग्राम स्तर पर शत प्रतिशत पालन कराने के लिए कोटवारों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान आदर्श आचार संहिता में किए जाने योग्य कार्रवाई और प्रतिबंधित कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। आदर्श आचार संहिता के का उल्लंघन न होना, इसके लिए थानों में तत्काल सूचना देने के लिए निर्देशित किया गया। अंबिकापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जहां पुलिस लगातार प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी कर रही है। इसके साथ ही जनता को आदर्श आचार संहिता के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ग्राम स्तर पर शत प्रतिशत पालन कराने के लिए कोटवारों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान आदर्श आचार संहिता में किए जाने योग्य कार्रवाई, इसके साथ ही प्रतिबंधित कार्रवाई के बारे में भी जनता को जानकारी दी गई। इसके साथ ही जनता से कहा गया कि जैसे ही कोई व्यक्ति आपको आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ नजर आए तो पुलिस को तुरंत सूचना दें। लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के लिए बॉर्डर चेक पोस्ट सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी की व्यवस्था की गई। इसी कड़ी में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर ने संयुक्त निरीक्षण कर मैनपाट में कपूनाका चेक पोस्ट सहित नाकाबंदी की व्यवस्था का निरीक्षण किया और मौके पर पहुंचकर वाहनों की आवाजाही के रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान उन्होंने व्यवस्था में तैनात स्टैटिक सर्विलांस टीम को सतर्क होकर जांच करने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर ने संयुक्त निरीक्षण कर मैनपाट में कपूनाका चेक पोस्ट सहित नाकाबंदी की व्यवस्था का निरीक्षण किया। तो लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में बड़े पुलिस अफसर भी जमीनी स्तर पर उतरकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। अंबिकापुर में सरगुजा पुलिस की तरफ से अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत सख्त कार्रवाई जारी है। इस दौरान पुलिस मवेशियों को तस्करी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सरगुजा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पशु तस्करी करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से मवेशियों को भी बरामद किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। इसी क्रम में पुलिस ने पशु तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों के कब्जे से मवेशियों को भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ पशु तस्कर मवेशियों की तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने मवेशी भी बरामद किए हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। महासमुंद जिले की बसना अंचल में पहली बार नवजात शिशु और बच्चे का निशुल्क सर्जरी के लिए कैंप लगाए गए, जिसमें नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी ऑपरेशन जैसे सर का बड़ा होना, हाथ पैर की उंगलियों का जुड़ा होना,
इत्यादि सभी ऑपरेशन उपलब्ध रहेंगे। ये सुविधा आयुष्मान कार्ड और बीजू कार्ड के लिए उपलब्ध है। इसके तहत मरीज और परिजन का रुकना, खाना, दवाइयां, जांच, ऑपरेशन पूरी तरह कैशलेस निःशुल्क रहेगा। इसके लिए पंजीयन अनिवार्य है। जो भी इस कैंप का लाभ लेना चाहता है जल्द से जल्द पंजीयन करवाकर निःशुल्क जांच का लाभ उठा सकते हैं। खबर महासमुंद से है, जहां बच्चों के निःशुल्क सर्जरी के लिए शिविर लगाया गया। इस दौरान फ्री बच्चों का ऑपरेशन किया जाएगा। जो भी बच्चे जिनके सर बड़े हैं, उंगलियां जुड़ी हुई हैं, उन सभी का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों के साथ रुकने वाले परिजनों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी मुफ्त रहेगी। हालांकि निःशुल्क जांच का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को पहले पंजीकरण कराना होगा, इसके बाद ही वो शिविर में बच्चों का ऑपरेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड योजना के तहत भी परिजन बच्चों का इलाज करा सकते हैं। खबर महासमुंद जिले की बसना अंचल से है, जहां पहली बार स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनोखा कदम उठाया गया है। जहां नवजात शिशु और बच्चों का निःशुल्क सर्जरी के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस कैंप में शिशु और बच्चों से संबंधित हर तरह का ऑपरेशन, फिर चाहे वो सर का बड़ा होना हो, हाथ पैर की उंगलियों का जुड़ा होना हो, इस तरह के सभी ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके साथ ही ये सुविधा आयुष्मान कार्ड और बीजू कार्ड के लाभार्थियों के लिए भी उपलब्ध है। हालांकि पहले लाभ उठाने के लिए लोगों को पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के बाद ही सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। अग्रवाल नर्सिंग होम बसना, आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और अत्यंत हर्ष है कि हमने 18 अप्रैल को नवजात शिशु एवं बच्चों की सर्जरी से संबंधित एक विशाल निशुल्क शिविर का आयोजन किया है, जिसमें रायपुर के प्रख्यात बच्चों के सर्जन डॉक्टर रितेश रंजन द्वारा नवजात शिशु एवं बच्चों से संबंधित सभी प्रकार की सर्जरी पूरी तरह निशुल्क की जाएगी। इसमें मरीज का रहना, खाना, दवाइयां, ऑपरेशन, बेहोशी के चार्जेस, सभी प्रकार के शुल्क पूरी तरह निशुल्क रहेंगे। आप ये मान के चलिए पूरी सेवा कैशलेस रहेगी, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं रहेगा। आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है, यह वीडियो यह पोस्ट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आपका एक छोटा सा प्रयास हो सकता है किसी मासूम की मुस्कान लौटा दे। इस शिविर में बच्चों से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन, जैसे जन्मजात विकृतियां, जिसमें मल द्वार का न बनना होता है, मूत्र मार्ग की विकृतियां होती है, अंडकोश के विकार होते हैं, जैसे हर्निया हो गया, गोटी का ऊपर होना, अंडकोश के आसपास में सूजन होना, शरीर में किसी प्रकार की गठान, पीठ के पिछले हिस्से में गठान, सिर का बड़ा होना और पेट संबंधित बीमारियां, जैसे अपेंडिक्स हो गया है, लीवर में मवाद हो गया है, अतड़ी में छेद हो गया, अतड़ी में रुकावट हो गया है, इन सभी बीमारियों का इलाज लैप्रोस्कोपिक दूरबीन पद्धति से भी निःशुल्क किया जाएगा। अतः आप सभी से पुनः निवेदन है, मेरा यह मैसेज वीडियो अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाएं और जरूरतमंदों की। अंबिकापुर में रामनवमी को लेकर जिले के विभिन्न मंदिरों और देवालयों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस दौरान राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में 70 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी विभिन्न मंदिरों और देवालयों में तैनात किए गए। मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों के चैन स्नैचिंग सहित अन्य अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सादी वर्दी में पुलिस बल तैनात किए गए। साथ ही शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थायी पुलिस पिकेट सहित अतिरिक्त पेट्रोलिंग व्यवस्था भी की गई है। रामनवमी को लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिला। भक्तों ने बड़ी ही धूमधाम से रामनवमी का पावन पर्व मनाया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी त्योहारों को लेकर पूरी तरह अलर्ट नजर आई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। इसी क्रम में लगातार पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग की जा रही थी, तो वहीं मंदिरों के आसपास भी सादी वर्दी में पुलिस तैनात थी। त्योहारों को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए पुलिस लगातार जनता के बीच पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था कायम करने का काम करती हुई नजर आई।
खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा पुलिस गंभीर अपराधों में लगातार सख्ती के साथ आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में गांधीनगर थाने में प्रार्थियों ने दुष्कर्म की घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी जानकारी के जरिए आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सुकमा वन विभाग ने पड़ोसी राज्य तेलंगाना के भद्रचालम में पशु तस्करी कर रहे तस्करों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग ने तस्करों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया, वहीं न्यायिक रिमांड पर सुकमा जिला भेज दिया गया है। धार जिला मुख्यालय के भोजशाला में हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में मंगलवार को 26वें दिन पुरातत्व विभाग का सर्वे जारी रहा। वहीं हिंदू समाज की महिलाओं और पुरुषों ने भोजशाला में जाकर पूजा अर्चना की। पुरातत्व विभाग के चल रहे सर्वे के दौरान इस पर आपत्ति जताते हुए मुस्लिम प्रतिनिधि ने कहा कि हमने 5 दिन पहले पुरातत्व विभाग को लिखित में एक आपत्ति दर्ज कराई थी कि स्टेचिंग और खुदाई के दौरान भोजशाला परिसर में करीब 1 से 1.5 फीट के गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे स्मारक को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं हिंदू नेता गोपाल शर्मा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, इन्हें खुदा से नहीं खुदाई से डर लग रहा है। हिंदू समाज का आस्था है, माँ सरस्वती का मंदिर है, आज से इन्हें हजारों वर्षों से मंदिर है, राजा भोज के द्वारा निर्मित था और उसी को लेकर हम यहाँ दर्शन करने आते, एक आस्था खुद मन से नहीं, मन तो है अपना पर माँ बुलाती है कि आओ, तो इसलिए कई भी सब काम छोड़कर मंगलवार आते हैं और जिस दिन भी मौका मिलता है आके दर्शन करते हैं। सर्वे पर रोक लगाना, सर्वे रोक इसलिए लगा रहे कि ये मंदिर है, सर्वे होगा तो सब चीज सामने आ जाएगी और ये मंदिर है और मंदिर रहेगा, क्योंकि हिंदू समाज का यही नहीं, अयोध्या में जैसे 500 साल बाद 700 साल पुराना लड़ाई है, यहाँ भी बहुत संघर्ष हुआ है, 2002 से जो संघर्ष चालू हुआ है तो आज तक चालू है, 2003 में संघर्ष हुआ, 2004 में हुआ, 2006 में हुआ, 2013 में हुआ, 2016 में हुआ, और मैं चाहता हूँ 2026 में संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि तब तक हमारा मंदिर बन जाएगा। कितने रास्ते हैं, कुछ रास्ते भी काफी भाई, आज जैसा कल कुछ वैसे रास्ते निकले, ऐसे ही ऐसे विक्रम नगर के पास में एक कॉलोनी है, एक कुआ है, उसके अंदर भी रास्ता जाता है वो यहाँ आता है, कहते थे हमारे पूर्वज लोग। देखो मूर्तियां तो निकल रही है अभी, कोई मालूम जो निकली है सब ढकी हुई है, हाँ पर हमारा चीन ने जो निकल रहे कह रहे हैं कि माँ सरस्वती का मंदिर था। उन्होंने अभी बताया कि सनातन धर्म के एक पंथ की कल मूर्ति निकली, उन्होंने संबंध में कल बोला है, तो निश्चित ही सारी उसी से उनका डर बैठा हुआ है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार कहता हूँ कि इनको खुदा से नहीं खुदाई से डर है, कि जहां जहां खुदेंगे वहां नीचे से सनातन धर्म निकलने वाला है। और कल उन्होंने कहा कि वहाँ कोई जैन धर्म की प्रतिमा निकली, बौद्ध प्रतिमा निकली है, तो ये मंदिर तोड़े किनने? हम तो प्रतिदिन स्मरण करते हैं कि बुद्धस तथा हर नीति बौद्ध जैन सत श्री काले तथा सिक्का संत, जो सनातन धर्म के इतने ही पंथ है, हम प्रातः स्मरण को याद करते हैं, क्योंकि ये सारे धर्म हमारे ही पंथ है जो मूर्ति की पूजा करते थे। और इतना चाहे वो जैन धर्म का मंदिर हो, चाहे बौद्ध धर्म का मंदिर हो, चाहे सनातन धर्म, ये मंदिर तोड़े किसने? वो तोड़े हैं तो वो साक्ष्य तो सामने आएंगे ही ना, जहां जहां सूफी संत गए हैं वहां पर हिंदू समाज आज भी अपमानित होता रहा है, उसी का एक उदाहरण धार की भोजशाला नीचे थी। आने वाले समय में भोजशाला अपने गौरव को पुनर्प्राप्त करेगी, और हमारी हिंदू समाज की इच्छा है कि राजा भोज के कार्यकाल में जो भोजशाला का स्वरूप था वो स्वरूप फिर माँ वाग्देवी के साथ यहाँ प्रकट होने वाला है। जबलपुर में लगातार स्कूलों की चल रही मनमानी को लेकर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक बहुत ही सराहनीय पहल की, अभिभावकों को लाभ पहुंचाने के लिए पुस्तक मेले का आयोजन कराया। पुस्तक मेले के आयोजन का 5वां दिन कुछ अभिभावक पुस्तक मेले को लेकर संतुष्ट नजर आए और कुछ अभिभावक निराश नजर आए। उनका कहना है कि पुस्तक मेले का आयोजन बहुत ही सराहनीय है, लेकिन कथन के अनुसार यहां पुस्तकों पर छूट नहीं दी जा रही और कुछ स्कूलों के सिलेबस की किताबें भी नहीं मिल रही हैं। इतना लेट लगाया है ना ये चेयर, तो अगली साल से ना इसे
फेब में या मार्च में लगाएं, क्योंकि हम तो बुक्स पहले ही ले लिए थे। मोस्ट ऑफ स्कूल जो है ना अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं, 1 अप्रैल से, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। अभी मैं बात भी करके आई थी राधिका बुक डिपो से, ली थी हमने कि पहले 10% डिस्काउंट दिया था, अब 15 दे रहे हैं। तो ये चीज अगर पहले करेंगे, 15,000 की बुक्स आई थी 2 क्लासेस की, तो हमारा भी फायदा होता ना। तो इतना लेट इसको रखने का, क्राइस्टचर्च के लिए थी, क्राइस्टचर्च कोविड, मोस्ट ऑफ स्कूल्स एक तो 10th का लिया था, एक 7th का लिया था, और मोस्ट ऑफ स्कूल जो है ना वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं। और मैम लोग फोर्स करते हैं कि बुक्स लेके आइए, बुक्स लेके आइए, तो फिर कैसे करेंगे। अभी इसका इतना बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन अगले साल से, हाँ अगले साल से इसको जल्दी। लोकसभा चुनाव को लेकर भिंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की बॉर्डर मीटिंग की गई। इस दौरान लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लेकर चर्चा की गई। बॉर्डर मीटिंग में लहार थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र शर्मा, रावतपुरा थाना प्रभारी उप निरीक्षक कमलकांत दुबे समेत तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों प्रदेशों के पुलिस बलों ने एक दूसरे के स्थायी वारंटी फरारी बदमाशों की सूची एक दूसरे के साथ साझा की और अधिकारियों को इन बदमाशों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। रायसेन के सांची रोड स्थित आशीष वेयर हाउस पर समय से गेहूं की तौलाई ना होने पर किसानों में आक्रोश देखने को मिला है। बता दें कि नाराज किसानों ने रायसेन सांची विदिशा रोड पर जाम लगा दिया था। पिछले कई दिनों की बारिश के चलते गेहूं की तौलाई नहीं हो पा रही थी। वहीं मौसम खुलने पर बड़ी तादाद में गेहूं की ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसानों ने रोड पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को समझाकर जाम खुलवाया और उपार्जन केंद्र पर तुलाई शुरू करवाई। खरगोन जिले के गोंगवा में शीतला माता मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धर्मसभा के बाद शांतिपूर्ण महाआरती संपन्न हुई। कलेक्टर करमवीर शर्मा और एसपी धर्मराज मीना सहित भारी पुलिस बल और अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी और प्रतिवर्ष बजरंग दल और हिंदू संगठन की तरफ से महाआरती का आयोजन किया गया। बता दें कि गोगावा के जामा मस्जिद में लगे शीतला माता मंदिर में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। वहीं आचार संहिता के चलते इस बार कड़ी सुरक्षा के साथ प्रशासन ने एहतियात के तौर पर व्यापक व्यवस्था की गई थी। जबलपुर में अनुसूचित जनजाति डोरिस जागृति संघ द्वारा सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया और आम जन को संबोधित करते हुए बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से भारतीय समाज में जातिवाद, असमानता और अधिकारियों के बारे में जागरूकता पैदा की। उनका समाज सेवा और आंदोलनीय कार्य भारतीय समाज को समग्र रूप से प्रभावित किया। उनके द्वारा लिखित भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार प्रदान किया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई और सफाई कर्मचारियों का जबलपुर के सम्मान किया गया। इस वजह किया गया क्योंकि इनको हमेशा इनका शोषण किया जाता है, इनके कार्य की कभी सराहना नहीं की जाती है और हम लोग गुजरे हुए व्यक्ति हैं, इस समाज के व्यक्ति हैं, हमेशा दिल्ली में भोपाल में ला के बड़े लोगों का और बड़े बड़े कार घरों का सम्मान कर दिया जाता है। उनका शोषण हो रहा है, गले में मटकी बांध के इनसे थुकवाया गया, खुद का थूक कमर में झाड़ू बांध के चलावाया गया, हमेशा इनसे झाड़ू हर समय लगवाया गया और ये इसमें भरपूर सेवा देते हैं। तीनों मौसम में किसी भी परिस्थिति में ये काम करते हैं, हर त्योहार में काम करते हैं, त्योहार नहीं मनाते लेकिन आम जनता 140 करोड़ जनसंख्या के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।